हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट। ये ऑमलेट पनीर से बनने वाली है, तो जो ऑमलेट खाने के शौकीन है और यदि अंडा अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से इस ऑमलेट का मजा ले सकते हैं। मैं दोनों तरह से बनाऊंगी, कुछ मैं ऑनियन से भी बनाऊंगी और विदाउट ऑनियन भी बनाऊंगी। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे इसको बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही नॉनवेज नहीं है, ये वेज रेसिपी है। तो इसमें ना तो अनियन एग है और ना ही अनियन है और ना ही इसमें गार्लिक है। तो ये लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो लोग एग नहीं खाते हैं उनके लिए मैं ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम से फ्री है। तो लीजिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें भर भर के प्रोटीन होने वाली है, क्योंकि मैंने फिलिंग में इतना सारा पनीर भरा हुआ है कि आप इसको पनीर का रिसोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये लीजिए, इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी बना रही हूँ। तो ये लीजिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और कुछ ब्रेड्स के पीस ले लिए हैं। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको फाड़ के उसका पनीर बनाया है। तो इसको हमें जमाना नहीं है, बस ऐसे ही बस इसका पानी हटा दिया है। और ये क्योंकि हम ये ऑमलेट बनाएंगे तो उसके लिए हमें वैसे ही पानी हटाना था। अब ऑमलेट की बैटर के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन डाला है और 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा या कॉर्नफ्लोर। आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा सूखा धनिया, मैंने सूखा के रखा हुआ है उसको ऐसे क्रश करके उसका जो फाइन फाइन पाउडर है वो डाल देते हैं। आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देते हैं। तो अब बैटर में थोड़ा सा दाल का मसाला भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने दाल का मसाला डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो हमें ये एक बैटर जैसा तैयार करना है, जिसे हम जैसे चीला फैलाते हैं और ऑमलेट का चीला जिस तरह से फैलाया जाता है उसी तरह का हमें घोल चाहिए। तो मैं इसको एक मिक्सी का जार ले रही हूँ और उसमें ये सारा घोल मैं डाल देती हूँ और इसे हल्का सा ब्लेंड करेंगे। और मैंने ये 2 ब्रेड ली है, ये छोटी साइज़ की ब्रेड है जो आगे पीछे की बच जाती है, मैं वही इसमें यूज कर रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो एकदम से स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आइए इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम से स्मूथ बना है। तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बस 1 टेबल स्पून पानी डालकर मैंने ये बैटर इसमें से निकाल लिया है। चलिए आइए पैन की ओर चलते हैं। तो इसमें घी डाल देते हैं और चारों तरफ घी को स्प्रेड करना है और फिर इस बैटर का एक छोटा सा चीला जैसा फैला देते हैं, जो हम ऑमलेट का चीला बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको फैलाना है। ना मोटा फैलाना है और ना ही ज़्यादा पतला फैलाना है। ऑमलेट का अपने आप फैल जाता है, इसको थोड़ा सा फैलाना होता है। तो ये लीजिए इस अब इसके ऊपर एक ब्रेड रखनी है और उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बैटर लगाएंगे, जिससे कि सारे बैटर का फ्लेवर ब्रेड में और ऑमलेट में दोनों में आ जाए, आगे पीछे दोनों तरफ उसका फ्लेवर आ जाएगा। और इसको अलग पलट करके सेक लेते हैं। तो इसके ऊपर गार्निश करने के लिए मैंने पनीर का ये बैटर बनाया हुआ है, पनीर और धनिया और ऊपर से मैंने दाल का मसाला डाला है। तो ये एकदम से बढ़िया सा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और ये देखिए मैं और चीज़ें बना करके आपको दिखा रही हूँ, आप अलग अलग तरह से इसकी रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरा बना रही हूँ। तो इस पर मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया है और ये फिलिंग को मैंने अंदर भर दिया है। ऊपर से ब्रेड लगाती है और ऊपर इसके ऊपर से भी मैंने ये बैटर को लगा दिया है। तो अब इसको अलग पलट करके ये हम इसको सेक लेते हैं। तो ये अंदर फिलिंग वाला भी इसी तरह से रेडी हो जाता है। तो ये भी खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे बना सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आप कम या ज़्यादा पनीर भरना है, तो जैसा पनीर आपके पास अवेलेबल हो आप उस हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अंदर भरा हुआ पनीर की जो फिलिंग होती है वो बहुत बढ़िया टेस्ट देती है।
तो आप इस तरह से ट्राई जरूर करिए। तो ऊपर से दाल का मसाला डाल करके इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिका है। आइए अब एक अगला तरीका आपको बता दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फिलिंग को फैला दिया है और इसमें हम ब्रेड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसे सिंपल फिलिंग वाला ही रेडी करेंगे। तो मैंने इसके अंदर ये पनीर वाली फिलिंग को भर दिया है और ये भी बिना अनियन के ही मैंने बनाया है। तो ये लीजिए, इसको मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ और अलग पलट करके घी लगा करके इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। जो एग के साथ यदि ब्रेड नहीं खाते हैं तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। तो आप इस तरह से चीले की तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैंने डिफरेंट टाइप की रेसिपी आपको बताई है। तो आप इस तरह से दाल का मसाला डाल के सर्व कर दीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया बनी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।